हाय, मेरा नाम अनीस खान है और आज हम ऐसे 12 इंडियन सेलिब्रिटीज को देखने वाले हैं जो कि अमीर से गरीब हो गए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करके मेरे आने वाले वीडियो से अपडेट रहिए। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हम सबको चकाचौंध करती है और जो भी यहाँ पर आता है उसे पैसा, इज्जत और शोहरत मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे सितारे हैं जो कि अर्श से फर्श पर आ गए, आज हम उन्हें देखने वाले हैं। नंबर 12, परवीन बॉबी। परवीन बॉबी काफ़ी आकर्षित और सुंदर एक्ट्रेस थी। उन्होंने काफ़ी सारे हिट मूवी दी लेकिन बाद में वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। प्रवीण बॉबी 22 जनवरी 2005 को अपने मुंबई वाले फ्लैट में मृत पाई गई। उनकी सोसाइटी की सेक्रेटरी ने ये न्यूज़ सबको दे दी क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने अपना न्यूज़पेपर और दूध अपने फ्लैट के बाहर से नहीं लिया था। प्रवीण बॉबी अपने फ्लैट में अकेली रहती थी, उन्हें किसी से भी मिलना पसंद नहीं था। नंबर 11, गीतांजलि नागपाल। गीतांजलि नागपाल सुष्मिता सेन के साथ रैंप पर चली है। गीतांजलि नागपाल पहले डिजाइनर थी, फिर वो रैंप मॉडल बनी। गीतांजलि नागपाल ड्रग और अल्कोहल की एडिक्ट हो चुकी थी। उसे रात में अक्सर मंदिरों में या स्ट्रीट पे पाया गया। गीतांजलि नागपाल फेयर साइकोसिस की पीड़ित है। जो भी उसे निकटता बनाने की कोशिश करता था वो उसे गालियां देती थी। जब ये न्यूज मीडिया में आ गई तो सारी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। नंबर 10, मिताली शर्मा। मुंबई पुलिस ने मिताली शर्मा को रेसिडेंशियल एरिया में लोगों की कार के विंडो को तोड़ते वक्त और उनको गाली देते वक्त पकड़ लिया। पहले तो उसने 2 लेडी कांस्टेबल में से एक को धक्का मार दिया, उन्हें गाली दी। मिताली शर्मा 26 साल की एक्ट्रेस है, वो दिल्ली में रहती थी लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ जाकर वो घर से निकल गई। उसने भोजपुरी मूवीज में भी काम किया है लेकिन बाद में उसे मूवीज से ऑफर आना बंद हो गया। उसके बाद वो भीख मांगना और चोरी करने की आदि हो गई। जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तब सबसे पहले उसने खाना मांगा, उसके बाद उसे थाने मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। नंबर 9, सतीश कौल। सतीश कौल एक कश्मीरी एक्टर है, उन्होंने कई सारे पंजाबी और हिंदी मूवीज में काम किया है। उन्होंने 300 से अधिक पंजाबी और हिंदी मूवीज में काम किया है। सतीश कौल को पंजाबी सिनेमा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। कुछ लोग उन्हें पंजाबी सिनेमा के अमिताभ बच्चन कहते हैं। एक जमाने में करोड़ों रुपए कमाने वाला आज खाने पीने के लिए मोहताज है। वो अब हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। नंबर 8, जगदीश माली। जगदीश माली एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर और बॉलीवुड एक्ट्रेस अंतरा माली के पिताजी है। उन्होंने अपने करियर में अनुपम खेर, इरफान खान, रेखा, शबाना आजमी और मनीषा कोइराला का फोटो सेशन किया है। जनवरी 2013 में उन्हें अर्धनग्न अवस्था में अंधेरी एरिया में घूमते हुए पाया गया। उसके बाद मिंक ब्रार और सलमान खान ने उन्हें मदद की लेकिन 13 मई 2013 को उनका देहांत हो गया। नंबर 7, मंदाकिनी। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ है, लोग उन्हें राम तेरी गंगा मैली से जानने लगे। उन्होंने काफ़ी सारी हिंदी मूवीज में काम किया लेकिन बाद में किसी वजह से कंट्रोवर्सी में आ गई। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। उन्होंने वापसी करना चाहा, उसके लिए उन्होंने पॉप म्यूजिक एल्बम भी बनाया लेकिन उनके हाथ नाकामयाबी ही मिली। अब वो दलाई लामा की फॉलोअर बन चुकी है। उन्होंने अपने पति के साथ टिबेटिन योगा क्लासेस शुरू कर दिया है। नंबर 6, राज किरण। राज किरण ने अपना फिल्मी करियर 1970 में शुरू कर दिया। उन्होंने कई सारे हिट मूवीज दी जैसे कर्ज, अर्थ, बेगुना, बसेरा और मान अभिमान। लेकिन राज किरण हिंदी मूवी से अचानक गायब हो गए और उन्हें ऋषि कपूर ने अटलांटा में मानसिक बीमारी की हालत में पाया। नंबर 5, विमी। विमी ने अपना फिल्मी करियर 1967 में डायरेक्टर बिहार चोपड़ा और एक्टर सुनील दत्त के साथ हमराज इस मूवी से किया। ये मूवी काफ़ी हिट हुई लेकिन विमी को इस फिल्म से अपने फिल्मी करियर में मदद नहीं मिली। उन्होंने कई सारे मूवीज में काम किया। विमी की शादी शिव अग्रवाल से हुई जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे थे। कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो गया।
उसके बाद वो प्रोड्यूसर जॉली के साथ रहने लगी। उसके बाद उन्हें अल्कोहल की आदत लग गई। आखिरी के वक्त उन्होंने नानावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में बिताए और 22 अगस्त 1977 में उनका देहांत हो गया। नंबर 4, अचला सचदेव। अचला सचदेव ने अपना करियर बचपन से शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी फिल्म में माँ का और दादी का रोल किया। उन्हें सबसे ज्यादा कामयाबी 1965 में वक्त इस मूवीज में मिली, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी के बीवी का काम किया और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने काजोल के दादी का काम किया। अचला सचदेव ने आसपास 130 मूवीज में काम किया। अचला सचदेव ने पहले ज्ञान सचदेव से शादी की, उसके बाद उन्होंने पुणे के एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लिफर्ड डगलस पीटर से दूसरी शादी की। पीटर के मरने के बाद अचला अकेली हो गई थी। उन्होंने अपने पुणे का घर जनसेवा फाउंडेशन इस ट्रस्ट को दे दिया। सितंबर 2011 में अचला सचदेव अपने किचन में पैर फिसलकर गिर गई, उससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और फिर वो पैरालाइज्ड हो गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी। 30 अप्रैल 2012 में हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। तब कोई भी फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं था। नंबर 3, भगवान दादा। भगवान दादा का असली नाम भगवान अभाजी पालव है। उन्होंने कई मूवीज डायरेक्ट की है और वो एक्टर भी रह चुके हैं। उन्हें लोग अलबेला ये मूवी जो 1951 में रिलीज हुई थी, जिसमें शोला जो भड़के ये गाने से जानने लगे। काफी सारे फ्लॉप मूवीज के कारण उन्होंने मूवी प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना छोड़ दिया। उनका जू बीच पर सी फेसिंग बंगलो था, जिसमें 25 रूम थे जो उन्होंने सेल कर दिए। उनके पास फ्लीट ऑफ 7 कार थी जो उन्हें बेचना पड़ा। कुछ दिनों के बाद वो मुंबई के एक चौल में शिफ्ट हो गए। 2002 में जब वो 89 साल के थे, तब उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उससे उनकी मौत हो गई। नंबर 2, एके हंगल। एके हंगल का असली नाम अवतार किशन हंगल है। उन्होंने कई सारी हिट मूवीज में काम किया, जैसे आयना, नमक हराम, शोले, मंजिल और प्रेम बंधन। उन्होंने आसपास 225 मूवीज में काम किया है। बाद में बुढ़ापे से उनको अपना खुद का खर्चा उठाना मुश्किल हुआ। 2007 में उन्हें बीमारियों ने जकड़ लिया, पर बिना पैसे की उन्हें इलाज करना मुश्किल हो गया था। 20 जनवरी 2011 में मीडिया ने उनके बारे में खबर दिखा दी। तब कई सारे डायरेक्टर और एक्टर ने मदद करने का प्रॉमिस किया। उनका देहांत 26 अगस्त 2012 को, जब उनकी उम्र 58 साल की थी, तब हुआ। नंबर 1, भारत भूषण। भारत भूषण एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी रह चुके हैं। लोग उन्हें बैजू बावरा से जानने लगे। भारत भूषण ने कई सारे मूवीज में काम किया। भारत भूषण की जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव आए। उनकी पत्नी का दूसरे बच्चे के वक्त देहांत हो गया। भारत भूषण ने 10 साल तक मूवीज में अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए स्ट्रगल किया। उन्होंने काफी सारी मूवीज में उम्र दराज के रोल किए, लेकिन उसमें भी उन्हें नाकामयाबी मिली। आखिरी वक्त में उन्होंने अपना घर, अपनी कार, अपनी किताबों की लाइब्रेरी बेच दी। उनका देहांत 27 जनवरी 1992 में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और भी सेलिब्रिटीज पता है और आप हमें बताना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए हाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।